प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज हम इस पाठ का तीसरा खंड पढ़ेंगे, तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का तीसरा खंड। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने साहित्यिक रूप से अपने शोध को चार उत्कृष्ट पुस्तकों में समाहित किया। इन पुस्तकों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अग्नि की उड़ान उनकी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद है। अग्नि की उड़ान उनकी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद है। यहाँ पर अग्नि की उड़ान को आप रेखांकित करें। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम की जीवनी का नाम लिखिए, तो आप इसका उत्तर देंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम की जीवनी का नाम अग्नि की उड़ान है। आप इसे रेखांकित करें, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने से उनका आकस्मिक निधन हो गया। इसे अब्दुल कलाम के निधन की जो तारीख है 27 जुलाई 2015, आप इसे रेखांकित करें, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन कब और कैसे हुआ, तो आप उसका उत्तर देंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने से उनका आकस्मिक निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। 83 वर्षीय डॉक्टर अब्दुल कलाम शिलांग IIM के एक कार्यक्रम लिवेबल प्लेनेट अर्थ में भाषण देने गए थे। वहीं पर दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। उन्होंने अस्पताल में 7:45 पर आखिरी सांस ली। उनके निधन पर हर दिल रोया, हर हाथ ने उनको अंतिम सलाम किया। 30 जुलाई 2015 को उन्हें रामेश्वरम में सुपुर्दे खाक किया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए भारत की अनेक महान हस्तियों ने ये उद्गार व्यक्त किए। डॉक्टर अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए भारत की अनेक महान हस्तियों ने ये उद्गार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कलाम पहले राष्ट्र के रत्न थे और बाद में राष्ट्रपति कलाम की शख्सियत बेहद खास थी। उनकी जिंदगी हमें प्रेरणा देती है, युवाओं को प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कलाम पहले राष्ट्र के रत्न थे और बाद में राष्ट्रपति कलाम की शख्सियत बेहद खास थी। उनकी जिंदगी हमें प्रेरणा देती है, युवाओं को प्रेरणा देती है। यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए डॉक्टर अब्दुल कलाम के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए क्या कहा, डॉक्टर अब्दुल कलाम के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए क्या कहा, तो आप इसका उत्तर देंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम पहले राष्ट्र के रत्न थे और बाद में राष्ट्रपति कलाम की शख्सियत बेहद
खास की, कलाम की शख्सियत, कलाम की शख्सियत बेहद खास थी। उनकी जिंदगी हमें प्रेरणा देती है, युवाओं को प्रेरणा देती है। यहाँ पर शख्सियत का अर्थ है व्यक्तित्व, शख्सियत का यहाँ पर क्या अर्थ है व्यक्तित्व। कलाम पहले राष्ट्र के रत्न थे, कलाम अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम पहले राष्ट्र के रत्न थे और बाद में राष्ट्रपति। कलाम की शख्सियत बेहद खास थी, उनकी जिंदगी हमें प्रेरणा देती है, युवाओं को प्रेरणा देती है। यहाँ पर शख्सियत का अर्थ है व्यक्तित्व। तो ये अब्दुल कलाम के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये उद्गार किया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी। राष्ट्रपति कलाम जनता के राष्ट्रपति थे, वे एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनमें देश के लोगों खासकर युवाओं से जुड़ने की अद्भुत क्षमता थी। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राहुल कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के निधन पर राहुल गांधी ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए क्या कहा, तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? राष्ट्रपति राहुल गांधी ने अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, राष्ट्रपति कलाम जनता के राष्ट्रपति थे, वे एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनमें देश के लोगों खासकर युवाओं से जुड़ने की अद्भुत क्षमता थी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष। 83 वर्ष के कलाम ऐसी नेक शख्सियत थे जिनमें 38 वर्ष की ऊर्जा और उत्साह था और 8 साल के बच्चे की सी मुस्कान। यदि आपसे यहाँ पर पूछा जाए या प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन के अनुसार डॉक्टर अब्दुल कलाम कैसी शख्सियत थे, तो आप इसका उत्तर देंगे, 83 वर्ष के कलाम ऐसी नेक शख्सियत थे जिनमें 38 वर्ष की ऊर्जा और उत्साह था और 8 साल के बच्चे की सी मुस्कान थी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम एक प्रेरक व्यक्तित्व थे। उन्होंने समय समय पर कुछ प्रेरक बातें कही। कुछ प्रेरक कथन निम्नलिखित हैं। पहला है, पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगली बार नाकाम हुए तो लोगों को यह कहने का बहाना मिलेगा कि पहली जीत तो भाग्यवश मिली। अगला है, बारिश के समय सभी पक्षी शरण तलाशते हैं मगर बाज बादलों से भी ऊपर उड़ान भरकर बारिश से बचाव करते हैं। तीसरा है, इंसान के जीवन में मुश्किलों की ज़रूरत होती है क्योंकि कामयाबी का आनंद लेने के लिए वे ज़रूरी हैं। अगला है, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और बुद्धिमान लोगों का देश बनाना है तो 3 लोग बड़ा फर्क ला सकते हैं, पिता, माँ और शिक्षक। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अनेक अवसरों पर प्रेरक बातें कहीं, उनमें से किन्हीं 2 कथनों का उल्लेख कीजिए, तो यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा 4 कथन यहाँ पर दे रखे हैं। जितने भी आपसे पूछे जाएं उतने ही कथनों का उल्लेख आप यहाँ पर कर सकते हो।
यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसमें ये प्रश्न किया गया है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अनेक अवसरों पर प्रेरक बातें कहीं, उनमें से इन्हीं दो कथनों का उल्लेख करो। तो यहाँ पर उनके कथन हैं, उनके कथन हैं। पहला कथन है, पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगली बार नाकाम हुए तो लोगों को यह कहने का बहाना मिलेगा कि पहली जीत तो भाग्यवश मिली। दूसरा है, बारिश के समय सभी पक्षी शरण तलाशते हैं, मगर बाज बादलों से भी ऊपर उड़ान भरकर बारिश से बचाव करते हैं। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से इस पाठ का और इस खंड का, तीसरे खंड का विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इसे दो तीन बार अच्छे तरीके से पढ़ें, इसको बारीकी से पढ़ें, इसको समझें और इस खंड में जो भी मेरे द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आप उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।